हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं बहुत लंबे टाइम के बाद डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ आ गए हैं हम लोग आगरा घूमने के लिए। और आगरा ना फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप जितना सुने हो ना, उससे कई ज़्यादा ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मतलब कुछ दूर तो पैदल चल के जाना होता है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं साथ में, और ये नज़ारे देख लीजिए फ्रेंड्स। इतने सुंदर सुंदर से नज़ारे हैं ना, इतने सुंदर नज़ारे हैं कि मैं वो चीज़ अपने मतलब बातों से वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप जब यहाँ पे एक बार आएंगे, देखेंगे, तभी पता चलेगा कि आगरा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ आके ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पे आए हुए थे। गलत टाइम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। हम लोग अप्रैल के महीने में गए हुए थे, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी तेज वाली गर्मी थी ना, इतनी तेज वाला धूप लग रहा था कि लग रहा था एकदम सर फट जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी था। और वहाँ ऊपर जाने के लिए हम लोग सोचे अंदर, लेकिन हम लोग नहीं गए, क्योंकि जूता खोल के जाना था और लगता है कि पैर पूरे जल गए। और देखिए ये कितने ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। मतलब मुझे तो कुछ दूर से ही देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी हैं साथ में, क्योंकि हम लोग वृंदावन से डायरेक्ट यहाँ आगरा आए हुए थे। तो सोचे कि आगरा मतलब ताजमहल घूमते हुए ही हम लोग जाएँ सीधे लखनऊ के लिए। तो अच्छा लग रहा था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा था फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि आप गेट से अगर चलो ना, तो तकरीबन आप लोगों को 2-2.5 किलोमीटर तो ऐसे चल के जाना होता है। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये देख सकते हैं, ये जो नज़ारा था ना, मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे मैं 2-3 फ़ोटो भी मतलब क्लिक की हुई थी। और फिर आ गए यहाँ हम लोग गेट पे, और ऑनलाइन ही टिकट बुक करना होता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने में एक ये फ़ायदा होता है कि थोड़े से पैसे कम लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गेट के पास, और टिकट के साथ साथ आईडी मांग रहा है। आईडी मेरे पास है। और फिर टिकट दिखा के हम लोग आ गए अंदर, और अंदर इतनी तेज़ धूप लग रही है ना कि देख सकते हैं मैं कैसे मुंह बना रही हूँ। बहुत ही तेज वाली धूप थी। और यहाँ अंदर आके ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये कितने ही सुंदर नज़ारे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे ना मैं 2-3 फ़ोटो क्लिक की हुई थी, मतलब हम सब लोग क्लिक किए हुए थे, क्योंकि ये नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और फाइनली ये आ गया गेट, जो कि इंटर करना है ताजमहल के अंदर जाने के लिए। ये मेन गेट है। सो इन्जॉय कीजिए आप लोग ये वीडियो।
फाइनली हम लोग आ गए हैं अंदर, और ये देखिए ये रहा ताजमहल। मतलब दूर से ही इतना खूबसूरत दिख रहा था ना, वाकई में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब जितना आप सुने हैं पढ़े हैं ना, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अंदर जाते जाते ना एक हम लोग गलती कर दिए थे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि इतनी गर्मी होगी अंदर और पैर जलेंगे। वैसे तो चप्पल खोल के कोई जा नहीं रहा था, वो चीज़ ठीक था, लेकिन एक चीज़ गलती हो गया कि हम लोग पानी नहीं लिए थे। और मतलब कुछ दूर चलते चलते इतना ज़्यादा गला सूख रहा था ना, इतना ज़्यादा गला सूख रहा था कि मतलब पानी लेके ही, अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में जा रहे हैं ना, तो पानी का बॉटल आप ज़रूर से ज़रूर लेके जाएं। और हम लोग यहाँ वहाँ से निकल के सीधे बैठ गए हैं टोटो पे, क्योंकि हम लोगों को निकलना था लखनऊ के लिए। और ये देखिए, मतलब आप जहाँ तक आगरा जाएंगे ना, जहाँ तक मतलब जितने दूर आप जाएंगे, उतने दूर तक ये किला का ना दीवार आपको कुछ दूर से ही दिखते मिलेगा। और इतने सुंदर लग रहे थे ना, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला ब्लॉग मेरा होगा नैनीताल से, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।